ये बताइए, शायरी खत्म, अब तो और तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? भर चुके हैं या और करें? और करें? एक चीज मैं सुनाऊं आपको या आप सुनाएंगे? मैं सुनाऊं? तो तालियां बजाएं फिर। अच्छा मैं सुनाता हूं। एक चीज है जो मुझे अच्छी लगती है। इब्ने इंशा का नाम किस किसने सुना है? इब्ने इंशा। अच्छा, हम में से अक्सर लोग फरामोश कर देते हैं कि जब इस चीज का कोई गाना बन जाता है तो लगता है कि जैसे ये शायरी में से निकाल दी गई ये चीज। हालांकि ये अपने इंशा की नज्म है आपके सामने। हम घूम चुके बस्ती बन में, एक आस की फांस लिए मन में, कोई साजन हो, कोई प्यारा हो, कोई दीपक हो, कोई तारा हो, जब जीवन रात अंधेरी हो, एक बार कहो तुम मेरी हो। जब सावन बादल छाए हो, जब फागन फूल खिलाए हो, जब चंदा रूप लुटाता हो, जब सूरज धूप नहाता हो, या शाम ने बस्ती घेरी हो, एक बार कहो तुम मेरी हो। क्या झगड़ा सूद खिसारे का, ये काज नहीं बंजारे का, तुम एक मुझे भतेरी हो, एक बार कहो तुम मेरी हो, एक बार कहो तुम मेरी हो। हम घूम चुके बस्ती बन में, एक आस की फांस लिए मन में, जब चंदा रूप लुटाता हो, जब सूरज धूप नहाता हो, या शाम ने बस्ती घेरी हो, एक बार कहो तुम मेरी हो। अच्छा जी, अब मेरे ख्याल में इसको खत्म करते हैं, यहां पे हिमानी पे चलते हैं। मैं ये सोच रहा हूं शाम को ना, रात को 12 बजे के बाद एक शायरी का प्रोग्राम शुरू कर दूं, एक डेढ़ घंटे के लिए, है ना? यही करेंगे हम। आ जाए जी। वैसे भी मुझे सोना वोना तो होता नहीं है, सोना तो फजूल से लोगों का काम है, क्या जरूरत है। हाँ जी सलमा, क्या कर रहे हैं हम आज? हम हिमानी के साथ, मैं आपको उपटन बता रही हूँ। जैसे कि आप जानते हैं, हिमानी की प्रोडक्ट सारी की सारी बिल्कुल नेचुरल हैं, केमिकल फ्री हैं। तो इसके साथ हम एक उपटन बनाएंगे जो कि आपको विद इन अ वीक बहुत। अच्छा, इनसे पूछ तो लें, आपको गोरा होने का किसको शौक है यार? ईद आने वाली है, अब गोरे लोग भी ये कहते हैं कि इन्हें गोरा होने का शौक है, अल्लाह ताला रहम करे भाई। अच्छा, इसमें हम बेसन लेंगे, ठीक है, तकरीबन 2 टीस्पून। सैंडलवुड पाउडर है इसमें तकरीबन 1/2 टीस्पून। संतरे के पिसे हुए छिलके हैं तकरीबन 1/2 टीस्पून। बेकिंग सोडा है 1/4 टीस्पून। लेमन जूस है तकरीबन 1 टीस्पून। और इसको हम रोज़ वाटर के साथ मिक्स करेंगे, हिमानी का रोज़ वाटर है। और इसमें चंद कतरे मैं डालूंगी कलौंजी के तेल के, जो कि ये ब्लैक सीड ऑयल है हिमानी का, बिल्कुल चंद। हमारे पास ये रोज़ वाटर और है? जी, ये और है। और है कितने हैं? मेरे ख्याल वहाँ बैग में पड़े हैं। कितने? 4-5-6 हैं। मैं एक काम करता हूँ, ये रोज़ वाटर आपको दे रहा हूँ, अपने चेहरे पर ऐसे स्प्रिंकल कर लें, लेकिन फिर पास कर दीजिएगा सब। कर सकते हैं? दूँ मैं आपको? चाहिए? यार एक बात है, इतने ज़्यादा लोग और इतनी कम आवाज़। डाल दिया मैंने। ले आइए ये 4-5 और ले आइए, ये रोज वाटर 4-5 और ले आइए। अच्छा जी, ये हमने रोज वाटर डाल के इसका एक पेस्ट बना लिया है। ये पेस्ट कितनी देर तक लगाना है? 15 से 20 मिनट के लिए इसको आप लगा लें। जब ये ड्राई होना शुरू हो जाएगा तो आप अपने ये पोर्स गीले करेंगे, इसी से रोज वाटर से कर लें, सादे पानी से कर लें, और हल्का हल्का स्क्रबिंग कर लें। और इससे आपकी स्किन एक हफ्ते में ऐसी निखर जाएगी, इतनी खूबसूरत हो जाएगी। अच्छा ये देखिए, ये पेस्ट ऐसा बनेगा। एक बार फिर से बता दीजिए क्या क्या है इसके अंदर। 2 टीस्पून मैंने बेसन डाला है, 1/2 टीस्पून सैंडलवुड पाउडर है, 1/2 टीस्पून इसमें संतरे के छिलके हैं, 1/4 टीस्पून इसके अंदर बेकिंग सोडा है, 1 टीस्पून फुल लेमन जूस है, और रोज ये कलौंजी का तेल है हिमानी का, इसके 3 से 4 कतरे डाले हैं।
और रोज वाटर जो इनका पानी है इसके साथ मैंने इसको घोल दिया और ये आप यूज करें। और जैसे साहिर भाई आपको बता रहे हैं, इसको इस बॉटल को आप ले लें, इसको आप फ्रिज में रखिए हिमानी की, ये जो रोज ये स्प्रे बॉटल है, और आप उठते फिरते जैसे आप आते जाते हैं दिन में 3 से 4 दफा अपने चेहरे पे स्प्रे करेंगे और उसको सूखने दीजिए, देखिए आपकी स्किन कितनी तरोताजा हो जाती है। अच्छा ये मुझे हिमानी का और स्प्रे ला दें, ऐसे रोज वाटर के स्प्रे ला दें, आप लोगों को दे दूं ये मैं, लेकिन एक प्रॉमिस करना है आप लोगों ने मुझसे, उसके बाद मैं हिमानी की कुछ और प्रोडक्ट्स भी आपको दूंगा, लेकिन एक प्रॉमिस करना है, 1 से 2 स्प्रे करेंगे उसके बाद पास ऑन करते रहेंगे, ठीक है? ठीक है जी। अच्छा इसको बच्चे भी नहीं मैं किसी एक को दे दूंगा यहां से, और पास ऑन करते रहे, ऐसे लेके मत बैठ जाइएगा, कोई भी लेके नहीं बैठेगा, ईमानदारी से, ईमानदारी से, ठीक है जी? ठीक है, नहीं है किसी खातून को दूंगा, आपको मैं दे रहा हूं, ठीक है? ईमान एक स्प्रे कीजिए अपने और इसके बाद पास ऑन कर दीजिए। मुझे बताओ वेट किसको लूज करना है, वेट किसको किसको लूज करना है वेट, खड़े हो जाए जो यार सबसे मोटे आदमी है या खातून है, खड़ी हो जाए, खड़ी हो जाए। अच्छा आपके लिए एक दे रहा हूं मैं आपको, इसमें इस्तेमाल कैसे करना मैं आपको बता दूं, ये ब्लैक सीड ऑयल है यानी कलौंजी का तेल है, 1 चम्मच आपने टेबलस्पून आपने लेना है या टीस्पून लेना है, और सुबह नहार मुंह आपने इसको पी लेना है, सहरी के वक्त पी सकती हैं आप, उसके बाद सहरी कर लें, और उसके बाद अफ्तार के फौरन बाद आपने 1 चम्मच लेके इसको पी लेना है, 15 दिन में देखिएगा आपका वेट कितना रिड्यूस होता है। और किसको चाहिए ये, एक तरफ मैंने अभी मैं मंगवा देता हूँ, और मंगवा देता हूँ, हाँ जी, अरे भाई आपको ज़रूरत नहीं है, नहीं 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 कोई और, थोड़ा सा आप आ जाइए, आप आ जाइए, इनको दे दीजिए, इनको दे दीजिए, तुम्हारे लिए भी मंगवा दूंगा मैं। अच्छा चाय, स्लिमिंग चाय है ये, किसको चाहिए ये, आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं इस चाय के लिए, मैं हमारी तरफ से आपको हिमानी की ये प्रोडक्ट 50 दे रहा हूं, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं इस चाय के लिए, बताइए किसको चाहिए ये, आपको ये लीजिए, ये हिमानी की स्लिमिंग टी है और ये आपने 2 पीनी है, ठीक है जी, थैंक यू सो मच, बहुत सारी तालियां हिमानी के लिए। अच्छा अगर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं और तुम तालियां नहीं बजा रहे तो याद रखो उमरे के टिकट्स नहीं मिलने वाले, शोर मचाओगे तो टिकट्स मिलेंगे। उमर इसको थोड़ा सा मेरे इसको तेज करना जरा, इसको मेरे गेन को थोड़ा सा बढ़ाओ। अच्छा जी तो अगर आप शोर नहीं मचाएंगे नहीं मिलेगा, 1 2 3 गो। आज क्राउड ठंडा है। नहीं 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 नहीं, अरे ऐसे थोड़ी होता है मेरे शो के अंदर, मेरी ट्रांसमिशन में तो ये छत वत उड़ जाती है। अच्छा दोनों हाथ ऊपर करें अपने, सबके साथ, सबके साथ, एक एक आदमी ऊपर करे, एक एक खातून ऊपर करे, एक बच्चा ऊपर करे, और फिर ऐसे रखें, यूं यूं करें, यूं मिलाएं, और इसके बाद आप तालियां बजाएं जोर जोर से। मुझे कुछ बेहतर है, कुछ बेहतर है जी, क्या कह रही है? मैंने स्कूल वाला टाइम याद। हाँ तो मैं प्रिंसिपल ही हूँ ना, और मैं क्या हूँ, आई फील लाइक ए टीचर। तो वैसे मैं अपने स्कूल में बड़ा अच्छा स्टूडेंट था, बिल्कुल बिल्कुल पीछे बैठता था अल्हम्दुलिल्लाह, आगे वो मुझे बिठाते ही नहीं थे। तो यू नो एक छोटा सा ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद, विल बी राइट बैक।